नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का एक विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजम खां के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई वो इस वजह से की गई क्योंकि ज्यादातर मुसलमान सपा का सपोर्ट करते हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता मनु तिवारी ने विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात की और जाना इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। राम गोविंद चौधरी जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है, आज पूरे प्रदेश की सम्मानित जनता सबका साथ सबका विकास में विश्वास व्यक्त कर रही है, इसलिए राम गोविंद जी इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको धरातल पता नहीं है। अब वो अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट दो बनवाएंगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ से जिम्मेदार हो गई? उनके बेटे की विधानसभा की सदस्यता से उच्च न्यायालय अगर रद्द करेगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ जिम्मेदार हुई? माननीय रामपुर न्यायालय उनको कारागार भेजेगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार होगी? आगे ये भी तो कहा है कि जो वोट सपा को जाते हैं और मुसलमानों के जो वोट कट रहे हैं भाजपा को, भाजपा विरोधी है, तो इस पर तो उन्होंने बोला है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राम गोविंद चौधरी जी की बातों का कोई मतलब नहीं है और वो हमेशा से तुष्टिकरण की बात करते रहे हैं, तुष्टिकरण की। और इस समय समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भ्रमित है। एक और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सब जगह कहते हैं कि मुझे कोई मिला, उसने मेरा हाथ देखा, दूसरी ओर वो कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाते हैं। तो ये जो भ्रमित है समाजवादी पार्टी, इसका क्या उत्तर दिया जाए? और सबको पता है कि आजम खां क्या क्या है, माननीय न्यायालय है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, और इस तरह की टिप्पणी करना न्यायालय के लिए ये उचित नहीं है। सर, लेकिन आजम खान ने भी तो बोला है ना कि जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि साजिश है भाजपा की ये सरकार। नहीं तो कोई अपराधी अपने को अपराधी मानता है क्या? तो आजम खान कैसे अपने को अपराधी मान लेंगे? कभी किसी अपराधी ने खुद को, हर अपराधी अपने को जितना बड़ा अपराधी होगा वो खुद को निर्दोष होने की दलील ही देगा। और सर, आगे जब रामनाथ कोविंद ने ये भी बयान दिया कि जोहर यूनिवर्सिटी को लेके कि जो यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसको सरकार का सम्मान करना चाहिए आजम खान का, ना कि शिक्षा का अपमान और लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। देखिए, आजम खान केवल और केवल एक भूमाफिया है और ऐसे भूमाफिया है आजम खान जो गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को का शोषण करने वाले भूमाफिया हैं। तो एक भूमाफिया के साथ जो सलूक होना चाहिए वो सलूक उनके साथ हो रहा है। सर, लेकिन ये भी तो कहा है कि जो है जो कार्रवाई हुई है जमीन को लेके वो सरकार के नॉलेज में है। देखिए, न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है, न्यायालय सर्वोच्च है और सारे विषय न्यायालय में है। देखिए, राम गोविंद चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं, नेता विरोधी दल हैं। मैं उनके बयान के साथ ये अवश्य कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आजम खां जैसे कद्दावर नेता के साथ कुछ जातियाँ जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने की है, जैसे बकरी चोरी का केस, किताबों की चोरी का केस। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। निश्चित रूप से जौहर यूनिवर्सिटी को लेके भी तो आया कि वो, अब वो देखिए, वो दस्तावेज का मामला है, उस पर कहाँ। तो सर, उस पर भी तो कहा है राम गोविंद चौधरी ने, उस पर भी कहा है कि सरकार के जानकारी में सारी जो है कार्रवाई हुई है जमीन की। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो भी कार्रवाई, जो भी सत्ता होती है, जो भी सरकार होती है, उसकी देखरेख में ही कार्रवाई होती है, प्रशासन उसी की देखरेख में चलता है। लेकिन प्रशासन के माध्यम से जो उन्होंने केस दर्ज कराए, बकरी चोरी का केस, किताबों की चोरी का केस, ये बहुत छोटी और क्षुद्र बातें हैं जो नहीं होना चाहिए था, जिसके आधार पर यह लगता है कि कुछ बदला लेने की बू जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये भी कहा है कि जो मुसलमान के वोट आते हैं भाजपा विरोधी और सपा को वोट मिलते हैं तो इसके लिए इन्होंने किया है। देखिए, ये जातिवादी बात तो मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अवश्य मुस्लिम विरोधी है, हर चुनाव में हर जगह पर वो भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान की बात करके अलगाववाद की नीति अपनाते हैं और भाई भाई में लड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जातियाँ जो की हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हाँ, बाकी जो न्यायालय का काम है वो न्यायालय के माध्यम से होगा,
मैं न्यायालय पे विश्वास करता हूँ कि हाँ न्यायालय निश्चित रूप से अच्छा न्याय करेगा, जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। तो सर आपको भी ऐसा लगता है क्या कि जो आजम खान ने जेल जाते वक्त कहा था कि सरकार प्रदेश सरकार फंसाने के लिए साजिश रची है, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? नहीं तो क्या एक चीज़ हमें ये बता दीजिए, बकरी चोरी और किताब चोरी जैसी बात प्रशासन के माध्यम से दर्ज कराना, ये क्या साजिश नहीं लगता तो और क्या है, ये तो साजिश ही कही जाएगी। आप भी सर ये राम गोविंद जी के पक्ष में बोल रहे हैं ना सर? नहीं बिल्कुल, राम गोविंद जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, सच्चाई कहीं से छुपी हुई नहीं है। हाँ जो दस्तावेजी मैटर है, अगर किसानों ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है कि उनकी जमीन अवैध रूप से ली गई है, तो इसका फैसला न्यायालय करेगा। और निश्चित रूप से अगर आजम खान जी ने जबरदस्ती की होगी तो न्यायालय किसान के पक्ष में निर्णय देगा, अगर जबरदस्ती नहीं की होगी और उसका कोई दस्तावेजी सबूत होगा तो आजम खान जी की जीत होगी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो न्यायालय का विषय है। विषय ये है कि क्या बकरी चोरी और किताबों की चोरी जैसा केस जो है ये दर्ज कराना ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं तो और इसे क्या कहा जाएगा? तो इस तरीके की ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।